present myself Bhawesh Kumar, intermediate faculty, ABM College, Jamshedpur. आज इस वीडियो के माध्यम से जैक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के प्रीवियस ईयर 2018 के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा. और प्रीवियस ईयर को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है, मेरा बारंबार जोर प्रीवियस ईयर पे होता है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि 10 साल के क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन का पैटर्न, वो कहीं ना कहीं उससे मोर देन 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रिपीट किए हुए पूछे जा रहे हैं. इसके अलावा आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मॉडल सेट भी मिलेंगे. मॉडल सेट आपको वहाँ पे तैयार करके रखा गया है, आप वहाँ से मॉडल सेट भी डाउनलोड करके उसको तैयार करेंगे. तो प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन मिनिमम और 5 मॉडल सेट, इतना आप इस लॉकडाउन के पीरियड में कीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है. इतना कर लेने के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो हम आपके लिए प्रैक्टिकल क्लास भी इसी माध्यम से स्टार्ट करेंगे. तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आ रहा है जो पूछा गया है, हु इज़ द राइटर ऑफ ज्योग्राफी जर्नलिस्ट. तो ज्योग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है बकाले, डार्विन, रेटजल और वारेनियस. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये सेम यही क्वेश्चन नेट के भी परीक्षा में कई बार पूछा है और इसका आंसर है वारेनियस. तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, रट जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज विच हैज़ द मैक्सिमम बर्थ रेट. निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो पहला है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान और चौथा यूएसए है. अब पूछ रहा है न्यूनतम जन्म दर, तो इसको सबसे पहले इसमें ऑप्शन में आइए. ऑप्शन है तो फ्रांस, जर्मनी, इसको आप जो ऑप्शन है इसको आप कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में देखिए, महाद्वीप, किस महाद्वीप के अंतर्गत ये देश आते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए बी फ्रांस और जर्मनी, ये तो यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है. सी नंबर जापान, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. और यूएसए जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है. तो यूरोप कॉन्टिनेंट का जो न्यूनतम जन्म दर वाला देश है वो है लातविया. तो ये दोनों नहीं होगा. तीसरा जापान जो है, जो एशिया का जो मिनिमम बर्थ रेट वाला, जो सबसे ज़्यादा मिनिमम जहाँ बर्थ रेट है वो जापान है. और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो न्यूनतम बर्थ रेट है वो यूएसए है. तो इन जब चारों ऑप्शन में आप देखते हैं तो इसका सही जवाब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहला नंबर चाइना, दूसरा नंबर इंडिया, तीसरा नंबर जापान. और इसका सही जवाब है चाइना. बहुत सरल सा क्वेश्चन है और सबसे पॉपुलस कंट्री चाइना है. दूसरे नंबर पे हमारा भारत है, तीसरे नंबर पे यूएसए है, चौथे नंबर पे विश्व में इंडोनेशिया और पांचवें नंबर पे पाकिस्तान है. ये अब तक का लेटेस्ट फिगर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन विच एरिया देर इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल फाउंड. किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो ईरान, सऊदी अरेबिया, चाइना, इराक. अब देखिए इराक में भी पाया जाता है, सऊदी अरेबिया में भी पाया जाता है, ईरान में भी पाया जाता है और चाइना में भी कम सम पाया जाता है. इन बाकी सब ऑप्शन के कंपैरिजन बहुत कम पाया जाता है. तो सर्वाधिक इन जो चारों ऑप्शन में पाया जाता है वो
है सऊदी अरेबिया। वहाँ का जो खनिज तेल का भंडार है वो सर्वाधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में सबसे पुराना लौह एवं इस्पात उद्योग कौन सा है? तो इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, HSL, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, मिस्को, मतंगी आयरन एंड स्टील कंपनी और टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसमें से जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, वो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये 20th सेंचुरी में 1907 का ईयर, 1907, इसमें यही इसका फाउंडेशन ईयर है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई इज़ नोन फॉर। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो कोयले के लिए, पेट्रोलियम के लिए, जल विद्युत शक्ति के लिए, यूरेनियम के लिए। तो इसका सही आंसर है मुंबई हाई इज़ नोन फॉर पेट्रोलियम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज़ द कैश क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है? तो कपास, कॉटन, जूट, चाय और इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी। तो इन नकदी फसल, हम ऐसे फसल को कहते हैं कैश क्रॉप जो कि किसान आमंदनी को विशेष इसको उपजाते हैं और वो खुद इसको बेचते हैं, मतलब कह लिया जाए तो अर्ध प्रसंस्कृत करके इसको बेचते हैं। आमंदनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको उगाया जाता है। तो कपास, जूट और चाय, ये सारे नकदी फसल हैं। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी नकदी फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, केप ऑफ गुड होप सी रूट इज सिचुएटेड। उत्तर मासा अंतरीप समुद्री मार्ग स्थित है, कहाँ स्थित है? देखिए, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और इनमें से सभी। तो सबसे पहला चीज़ जान लीजिए, जो केप ऑफ गुड होप सी रूट है, ये कहीं ना कहीं स्वेज कैनाल का वैकल्पिक सी रूट है। जब मान लीजिए भारत कोई भी गुड्स और मटेरियल्स को मंगवाना होगा यूरोप से, तो जहाज़ जो ट्रैवल करती है वो इस रूट से, स्वेज कैनाल वाले रूट से होकर के आती है। स्वेज कैनाल भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा शिप्स है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, तो वैकल्पिक मार्ग के थ्रू जो अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होकर के इसी केप ऑफ गुड होप सी रूट से होकर के आती है। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत लंबा सी रूट है। हाँ, कि यहाँ पे बनिस्पत, यहाँ पे जो कॉस्ट आता है मंगवाने का, ये बहुत कम आता है क्योंकि टाइम टेकिंग है। तो एक तरह से इसको अटलांटिक ओशन, तो ये है कहाँ पे स्थित? अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, दोनों में ये कहीं ना कहीं दोनों सागरों से होकर के ये है। तो अगर एप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो इसमें है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू, औद्योगिकरण से होता है तो क्या होता है भाई? एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो जब भी उद्योग धंधे, कल कारखाने, सबसे तमाम तरह के पॉल्यूशन होते हैं, हवा का पॉल्यूशन, ध्वनि का, जल का और भी बहुत तरह का पॉल्यूशन होता है। तो ये इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, सभी तरह के प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सारे महानगर हैं।
तो सही जवाब है मुंबई, और मुंबई महानगरी, और दूसरे नंबर पे कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो बाकी के शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि विद आंसर आपको प्रोवाइड करा गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स आप चेक कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और ज्योग्राफी के नोटबुक में जहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर पहले वाले वीडियो लेक्चर से उसको नोट किया था, वहीं पे इसको आप नोट डाउन कीजिए और हमको पर्सनली दिखाइए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल यहीं रहने देते हैं। गुड बाय।